तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। पेपर देखिएगा, बिल्कुल उसी प्रकार का आया था जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया है। मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि त्रैमासिक परीक्षाओं के जो पेपर है आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनाए जा रहे हैं, हर कहीं से उठा के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप देखिएगा, इसका जीता जात का उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखो, आपका 9वीं का संस्कृत का पेपर 80 नंबर का 75 नंबर का होना चाहिए, जबकि देखिएगा पूर्णांक 100 का है। देखिएगा ब्लूप्रिंट को बिल्कुल भी टीचर ध्यान में रखकर पेपर को नहीं बना रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको इस बार त्रैमासिक परीक्षाओं में ऐसा लग रहा होगा कि आपके ये पेपर है कहाँ से बनकर आ रहे हैं और कौन बना रहा है, क्योंकि इसमें देखिएगा अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं इनमें कोई सा भी पेपर एक ऐसा मुझे नहीं मिला जिसमें कि एक भी गलती नहीं हो। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स बिल्कुल रह रही है, क्योंकि देखिएगा पहले जो पेपर बनकर आते थे ना वो आपके भोपाल से बनकर आते थे, और अब ये जो पेपर बनाए जा रहे हैं आपके लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं। अब देखिएगा स्वयं आप लोग इसको देख सकते हो, 100 नंबर का तो कहीं से कहीं तक आपका संस्कृत का पेपर होता ही नहीं, फिर भी बना दिया हमने 100 नंबर का। अब चलो, फिर भी जो भी है, पेपर तो चेक, कॉपी तो आपकी चेक होगी और आपको नंबर भी दिए जाएंगे। तो आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं में जो आपका पेपर आया है उसके कितने नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने नंबर के आपके असत्य हो गए। तो जल्दी से आप लोग मिलान कर लो। पहला जो क्वेश्चन था इसमें आपका ये आ जाता सप्तमी, और दूसरे में आपका चतुर्थी आ जाता, और इसमें आपका फलस्य आ जाता। देखिएगा डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद में देखो, इस वाले का आपका नदीम आ जाता, अणा में आपका आ जाता देखिएगा पूजन, इसमें से आपको अव्यय पहचानना था। अब देखो ऑप्शन जो दिए ना, पूजनम, ना, सत्र, तत्र, कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपको अत्र जो था ना इसमें अव्यय था, ठीक है ना। और उसके बाद में आधुलिखतेसु अव्यम पदम, तो देखिएगा इनमें से अगर देखा जाए तो अव्यय पद हुआ कुत्र। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख लो, जोड़ी मिलान किस प्रकार से पूछा गया है। चलो हम एक एक चीज़ों को जोड़ी को देखते हैं। तो देखिएगा पहला जोड़ी मिलान, गम धातु लट लकारस रूपम अस्ति, तो देखिएगा इसमें गच्छति आ जाता, लट लकारस उदाहरणम अस्ति, तो देखो पटती आ जाता, लेखतु इति अस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो देखो इसमें लोट लकार आ जाता, और भू धातु लंग लकारस प्रथम पुरुषस एकवचनम रूपम, तो देखिएगा ये आपकी अभवत आ जाता, और प्रहार में इसमें आपका प्र आ जाता, और स्वागतम में आपका स्वाग जाता। अगर आपने इस प्रकार से पूरा किया होगा ना तो पूरा का पूरा आपका सही हो गया होगा। और उसके बाद में आप सब लोग इसको देख लें, यहाँ पर आपसे आम ना पूछे गए हैं, तो जल्दी से आप सब लोग आम ना को भी देख लो। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो देखिएगा बिल्कुल आपका आम हो जाएगा। सेकंड में आपका ये भी आपका आम होगा, थर्ड में आपका ये भी आम होगा, और देखिएगा ये आपका गा नंबर का ये भी आम होगा, आणा नंबर का ये भी आम होगा, और ये वाला ज़रूर आपका ना हो जाएगा। तो देखो अगर आपने इस प्रकार से जोड़ी का मिलान किया होगा तो पूरा का पूरा आपका जोड़ी मिलान भी सही होगा। अब चलो आप आगे के पेपर को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो आगे आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में ये जोड़ी का मिलान दिया गया है, तो जोड़ी मिलान कर लीजिएगा आप सब लोग। जैसे कि भ्रमित्वा की जोड़ी मिल जाएगी कत्वा से, बाला की टाप से, गंतुम की तुमन से, तंदलों भवती से आपको मिला लेंगी थी जोड़ी मिलान इस प्रकार से। तो अगर आपने इस प्रकार से जोड़ी का मिलान किया होगा तो पूरा का पूरा आपका जोड़ी मिलान सही होगा। और उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से एक वाक्य उत्तरम लिखत इसकी जोड़ी का मिलान कर लो। पहला क्वेश्चन, पलायमान स्वाना इतम्यो पदियो विशेष पदम किम, तो देखो पलायमान इसका राइट आंसर आ जाता, सेकंड में इसका प्रीति आ जाता, थर्ड में आपका शारदा, और इसमें आपका पवन का समीर हो जाता, शीघ्रम का विलंब हो जाता। और इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर लिखा है प्राचीनतम इत्यस्य विलोम पदम, तो देखो नवीनम इसका राइट आंसर आ जाता। अगर आपने इस प्रकार से मिलान किया होगा पूरा का पूरा सही होगा। और उसके बाद का क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप लोग देख लो, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल उसी प्रकार का आ रहा है जिस प्रकार के कि मैं आपको 3 सेट पेपर बता रहा हूँ। मगर देखिएगा ये जो पेपर है आपके लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं, तो आपके जो लोकल टीचर हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन इधर उधर ज़रूर कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन पेपर आपके उसी प्रकार से बनकर आ रहे हैं जिस प्रकार के कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा और आप सब लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करके लिख भी लिया होगा। देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया, और बाकी के क्वेश्चन आपसे पेपर में इस प्रकार से पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ कि पेपर आपका बहुत ही मस्त गया होगा एकदम। और देखिएगा अब आपका जो गणित विषय का पेपर है उसके लिए देखिएगा आपका बीच में एक दिन की छुट्टी मिल गई है, तो उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लो। और देखिएगा गणित विषय के लिए भी मैं आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊँगा,
तीनों सेट के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिंक दे दी है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग तीनों सेट पेपर को अच्छे से तैयार जरूर कर लो। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।